स्याना हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के बुगरासी क्षेत्रीय कार्यालय पर 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। पार्टी कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया गया, उसके बाद क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। पार्टी कार्यालय पर सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए और तिरंगा यात्रा के रूप में क्षेत्र के गांव रवानी कटीरी से शुरू होकर बुगरासी नगर क्षेत्र में समापन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश चौहान, महासचिव ओम प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष एडवोकेट संतोष प्रताप सिंह, ज्ञानचंद, आदेश कुमार, टीटू, राहुल, आकाश लोधी, ललिता आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी ऊंचागांव क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। क्षेत्र के गांव पाली आनंदगढ़ी में भाजपा नेता रिंकू राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली का आयोजन किया। रैली में सैकड़ों की संख्या में बाइक पर कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाए। इस अवसर पर भाजपा नेता रिंकू राणा, लोकेश राणा, विकास राजू भोले आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संवाददाता अमित राणा। जय श्री राम, भारत माता की जय और वंदे मातरम। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जनवरी पूरा देश 72वें गणतंत्र दिवस को मना रहा है। पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है। हम लोगों ने हिंदुस्तान उत्थान पार्टी के जुझारू कार्यकर्ताओं ने जनपद बुलंदशहर के शाना तहसील के अंदर ग्राम रवानी कटीली से एक यात्रा शुरू करनी थी, तिरंगा सम्मान यात्रा, जिसका समय निर्धारित किया गया था सुबह 11 बजे का। सिस्टम को 15 तारीख को हमने एप्लीकेशन दी थी, बाकायदा सूचनार्थ भी किया था और लिखित में हमने एप्लीकेशन भी अपनी दी थी। आज 26 तारीख तक, 15 तारीख से 26 तारीख यानी 9 दिन के अंदर, ना तो शासन ने हमारी एप्लीकेशन को मंजूर किया और ना शासन ने हमारी एप्लीकेशन को डिनाई किया। अब हम लोग असमंजस में हैं क्योंकि कुछ साथी नरसेना थाने और बुगरासी रिपोर्टिंग चौकी से हमारे पास आए हैं और उन्होंने ये कहा है हमको कि भाई आपकी यात्रा की परमिशन नहीं है। बहुत अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं उनसे कि भाई जब हमने 15 तारीख को आपको पेपर दिया, 20 तारीख को रिपोर्टिंग चौकी बुगरासी से वो पेपर निकलवा करके हमने थाना नरसेना पहुंचवाया, तो वो पेपर यहां से हट करके सीओ ऑफिस और एसडीएम साहब के यहां तक क्यों नहीं पहुंचा? आप हमको कैंसिलेशन लेटर दे दीजिए, हम यात्रा रोकने के लिए तैयार हैं। तो मेरा इस समय आप लोगों से ये कहना है और मेरे साथियों से भी ये पूछना है कि इस उसमें पोजिशन में हम लोग क्या करें? क्या भारत का जो गौरव तिरंगा जो पूरे देश में निकला है, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में निकाल रहे हैं, किसान यात्रा पूरे देश में चल रही है, एक छोटे से कस्बे में जो ये जुनून भरने का काम हम लोग कर रहे थे, क्या इसको स्थगित करें? मैं मेरे साथियों से पूछना चाहूंगा, भाई आप लोग क्या कहते हैं? यात्रा निकली। किसकी गलती है इसमें, हमारी या शासन की? शासन की। अगर शासन की गलती है तो जिम्मेदार कौन है? शासन। तो क्या जितने भी पूरे जिले के अंदर डीएम साहब ने तिरंगा फहराया, एसडीएम साहब ने तिरंगा फहराया, हर रिपोर्टिंग चौकी पुलिस थाने में तिरंगा फहरा, तो क्या वहां से तिरंगा उतरना चाहिए? बिल्कुल उतरना चाहिए भाई, ऐसा ही लगता है अभी तो हालात देख करके आज के। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, भारत माता की जय।